मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 3, डीप एंड म्यूट. डीप मीन्स बहरा, अनेबल टू हियर. एंड म्यूट, म्यूट मीन्स अनेबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता हो, गूंगा हो. ओके, नाउ लुक हियर. ही कांट सी, यह देख नहीं सकता. ही इज ब्लाइंड. ही कांट हियर, ये सुन नहीं सकता. ही इज डीप. He can't speak. He is mute. He can't walk well. ये अच्छे से चल नहीं सकता. He is lame. Lame means langda. Now I start this story. There was a beggar. वहाँ एक भिखारी था. Beggar means भिखारी. He had a tall body. उसकी body कैसी थी? Tall थी, लंबी थी. One day he took a piece of cardboard. एक दिन ओ एक लकड़ी का टुकड़ा लाता है, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लाता है. ही रोट ऑन इट, और वो उसके ऊपर लिखता है. क्या लिखता है? डीप एंड म्यूट. जो कार्डबोर्ड लाया उसके ऊपर उसने क्या लिखा? डीप एंड म्यूट. ही हैंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट, और उसने उस कार्डबोर्ड को हैंग कर लिया अपने गले में, और उसके चेस्ट पर लटकने लग गई. देन ही सैट डाउन बाई द साइड ऑफ द रोड, और वो रोड की साइड बैठ गया. ही पुट हिज बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने अपने बाउल को अपने सामने रख लिया. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, ये टॉल बेगर बैठा हुआ है, उसके गले में ये कार्डबोर्ड लटक रहा है, और उसके सामने बाउल रखा है. बाउल मीन्स कटोरा. मेनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड, बहुत सारे लोग रास्ते से गुजरते हैं और रोड की तरफ से, और वो उस बेगर को देखते हुए गुजर रहे थे. सम ऑफ देम टुक पिटी ऑन द बेगर, उनमें से कुछ को उसके ऊपर दया भी आ रही थी. दे थ्रू क्वाइंस इनटू हिज बाउल, और जिसको उनमें से लोगों में से कुछ लोगों को दया भी आ रही थी, तो वो क्या कर रहे थे? उसके बाउल में क्वाइंस फेंक के चले जा रहे थे, मतलब बाउल में क्वाइंस को डाल दे रहे थे. देयर वॉज अनदर बेगर, और वहीं पे एक दूसरा भिखारी था. ही हैड अ फैट बॉडी, उसकी बॉडी कैसी थी? फैट थी, मोटी थी. ही सा द टॉल बेगर, उसने उस लंबे भिखारी को देखा. ही सा हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो, और उसने उसके कार्डबोर्ड को भी देखा. ही रन बैक टू हिज कॉटेज, जब उसने देखा कि ये जो टॉल बेगर है बैठा है और बाउल लिया है, और सभी आ रहे हैं लोग उसके बाउल में क्वाइंस डाल रहे हैं, तो उसके मन में भी आइडिया आया, और वो बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ चल दिया. कॉटेज मीन्स हट. हट क्या था? जहाँ पे वो रहता था, तो उधर वो निकल गया भागते हुए. ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और उसने भी क्या लिया? एक पीस लिया कार्डबोर्ड का. ओके, उसने भी कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया. ही रोट ऑन इट, और उसने उसके ऊपर क्या लिखा? आई एम ब्लाइंड मीन्स मैं अंधा हूँ. लेकिन क्या वो अंधा था? नहीं, लेकिन फिर भी उसने लिखा आई एम ब्लाइंड, क्योंकि वो टॉल बेगर को देखा था कि उसने डीप एंड म्यूट लिखा है, तो उसको सब लोग क्वाइंस दे रहे हैं, तो मैं भी लिखूँगा तो मुझे भी मिलेगा. तो उसने भी उस कार्डबोर्ड पर लिख लिया आई एम ब्लाइंड. ही हैंग इट ऑन हिज चेस्ट, और उसने भी उसको हैंग कर लिया अपने गले में, और वो भी उसके चेस्ट पे लटकने लग गया. ही केम बैक एंड सैट नियर द टॉल बेगर, और वो वापस आ गया वहीं पर जहाँ पर वो टॉल बेगर बैठा था, उसी के पास बैठ गया. नाउ आई कम टू नेक्स्ट पेज. ही स्टार्टेड शाउटिंग, और जो फैट बेगर था स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने स्टार्ट कर दिया. क्या बोलने लग गया वो? आई एम पुअर बेगर, मैं एक गरीब भिखारी हूँ. आई एम लेम, मैं लंगड़ा हूँ. आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता. आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ. आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता. हैव पिटी ऑन मी, मेरे ऊपर दया करो. प्लीज़ गिव मी अ क्वाइन, कृपया मुझे क्वाइन दे दो. गॉड विल ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करेगा. ए यंग मैन पास दैट वे, और उधर से एक यंग मैन गुजर रहा था. ही टुक आउट ए 2 रुपी क्वाइन, उसने क्या किया? 2 रुपए का क्वाइंस निकाला अपने पॉकेट से. ही वांटेड टू गिव इट
टू द टॉल बेकर। और वो जो मैन था वो 2 रुपीज़ का कॉइन्स किसको देना चाहता था? टॉल बेकर को। द फैट बेकर शाउटेड एट वंस। लेकिन जैसे ही वो उसके बाउल की तरफ, देखो पिक्चर में, ये कॉइन्स बढ़ाया और ये टॉल बेकर अपना बाउल इसकी आगे की तरफ बढ़ाया, वैसे ही ये जो फैट बेकर था वो शाउटिंग करने लगा। क्या बोलने लग गया? प्लीज़ डोंट गिव इट टू हिम। आप कृपया उसको मत दीजिए। ही इज़ नॉट डीफ। यह डीफ नहीं है, ये गूंगा नहीं है। ही इज़ नॉट म्यूट। और ये ही इज़ नॉट डीफ, ये बहरा नहीं है। ही इज़ नॉट म्यूट और ये गूंगा भी नहीं है। ही इज़ अ चीट, ये झूठ बोल रहा है। चीट मीन्स झूठ बोलना या फ्रॉड करना, धोखा देना। आई एम अ पुअर ब्लाइंड बेकर, मैं एक गरीब भिखारी हूँ, अंधा भिखारी हूँ, गरीब अंधा भिखारी हूँ। प्लीज़ गिव दैट कॉइन टू मी, कृपया आप ये कॉइन मुझे दे दीजिए। द टॉल बेकर वॉज वेरी एंग्री। जब ये फैट बेकर ऐसा बोला तो जो टॉल बेकर था उसको एंगर हो गया, बहुत तेज उसे गुस्सा आ गया। एंग्री मीन्स गुस्सा। टॉल बेकर वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब वो गुस्से में भूल गया कि वो क्या बन के बैठा था। वो तो क्या बना है? डेफ एंड म्यूट बना है। लेकिन अब वो भूल गया और एंग्री होकर के बोल दिया। ही सेड, सर आई एम नॉट अ चीट, मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिस फैट बेगर इज अ चीट, ये जो फैट बेगर है ये चीट है, ये धोखा दे रहा है आपको। ही इज नॉट ब्लाइंड, ये अंधा नहीं है। ही कुड सी द क्वाइन इन योर हैंड, ये आपके हाथ का कॉइन देख सकता है। प्लीज़ गिव दिस कॉइन्स टू मी, कृपया ये कॉइन मुझे दे दीजिए। आई एम अ पुअर बेकर, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। आई एम डेफ एंड म्यूट, मैं बहरा और गूंगा हूँ। अब बच्चों बताओ, जब वो गूंगा है और बहरा है तो बोल कैसे रहा है ना? तो वो भी झूठ बोल रहा है। द यंग मैन लाफ्ड, अब जो यंग मैन था वो हंसने लग गया। ही सेड, उसने कहा, बोथ ऑफ यू आर चीट्स, आप दोनों ही धोखा दे रहे हो, आप दोनों ही झूठ बोल रहे हो। ही पुट द क्वाइन बैक इन टू हिज पॉकेट एंड वेंट हिज वे, उसने उस क्वाइन को वापस से अपने पॉकेट में रख लिया और अपनी रास्ते से निकल गया। तो देखो बच्चों, झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, लास्ट में सच की जीत होती है और उनकी झूठ पकड़ी गई। ओके, थैंक यू।